क्षितिज विषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वतिविभवान् ज्योतिषाश्चेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पात्वशोनास्तुवीय मांडुको उपनिषद के आगम प्रकरण को जो कालिका है पहला छह उसमें विचार करते हैं छठा कालिका उपनिषद पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक ही तत्व ही भोग भोक्ता दोनों रूप में वही विचरण करते हैं। उपाधि के भेद से ये अलग अलग प्रतीति होते हैं और इन सभी को उत्पन्न करने वाला सभी का बीज कहाँ रहते हैं? अव्यक्त में, जो समष्टि में जिसका हम अव्यक्त बोलते हैं, व्यष्टि में उसे हम प्राण बोलते हैं। प्राण मतलब ये प्राण में सब चीज बीज अवस्था में छुपा रहता है और वहीं से निकाल के आता है। अब यही प्राण जो है इसमें बोला छः नंबर जो पर है कालिका को उसको सब मिल करके एक सर पढ़ेंगे। छः नंबर कालिका एक सर प्रभव सर्व भावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतोऽंशुपृथक्। ये जो वो आपने बोला उत्पन्न करता है वो सद्वस्तु को उत्पन्न करता है कि असद वस्तु को उत्पन्न करता है? मतलब विद्यमान वस्तु को उत्पन्न करता है कि अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न करता है? वेदांतिक सिद्धांत कौन सा? हम सत्कार जवाब है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं असतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत, ठीक है ना? कि अब मतलब अभावात्मक वस्तु कभी भाव में नहीं आ सकते और भावात्मक वस्तु की कभी अभाव नहीं हो सकता। अब नाम रूप में व्यभिचार है परंतु सत्ता में व्यभिचार नहीं है। क्या बोला? ये वेदांतिक मुख्य सिद्धांत है। नाम रूप उपाधि में व्यभिचार है परंतु उपाधि के सत्ता में व्यभिचार नहीं है, है ना? त्रिषु अपि कालिषु जगत सत्ता न व्यभिचरति, भगवान बातचीत तो काल में जगत अपनी सत्ता का व्यभिचार नहीं करता, नाम को व्यभिचार करता है। इसलिए मिथ्यात्व नाम रूप में है, सत्ता में मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए ये सब विद्यमान वस्तु को ही प्राण जो है वो सब कुछ अपने से अभिव्यक्त करते हैं माया के सहारे, ऐसा निश्चय। और ये सब प्राण कैसे दो भाग में, देखिए भगवद गीता की सप्तम अध्याय याद है दो प्रकृति बताया। क्या बताया? भूमि रा बनल वायु खम मनोबुद्धि अहंकार विद्धि में भिन्न प्रकृति अष्टा अपर एयम इतस्तन्नम प्रकृति विद्धि में वरण जीवभूत महामायो जय एकम धार्यते जगत। दो प्रकार की प्रकृति बताए, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, एक जड़ात्मक एक चेतनात्मक। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उदाहरणं, यही समस्त भूत की उत्पत्ति योग है। इस अव्यक्त को अव्यक्त में चेतन को उपरासित होकर उपाधि है, मतलब उसका क्या है? एक परा प्रकृति है एक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ात्मक है, परा प्रकृति चेतनात्मक है जीवात्मक है। ये प्राण जो है इस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सारा संसार को मतलब प्रकाशित कर देते हैं। इसी प्रकार एक चेतन तत्व अपनी चेतना तक की अंशों किरणों के द्वारा सारे वस्तु को चैतन्यित कर देते हैं। प्राण स्वयं में तो जड़ है परंतु चेतन अधिष्ठाता के बाहर वो क्रिया करने लगते हैं। अब जो है क्या होता है, आप देखिए जिस प्रकार आप आग के द्वारा लोहे को भी गर्म कर रहे हैं, लकड़ी को भी गर्म कर रहे हैं और पानी को भी गर्म कर रहे हैं। क्या बोला? आप लोहे को भी गर्म कर रहे हैं, आग से एक ही आग है, लकड़ी को भी लगाया, लोहे को भी लगाया, पानी को भी लगाया, परंतु तीनों के अपने अपने द्रव्य गुण के सामर्थ्य से लोहा क्या होता है? गर्म भी होता है, लाल भी होता है। लकड़ी क्या होता है? अपने आप जल करके उष्णता भी देते हैं, प्रकाश भी देने लगते हैं, और पानी केवल उष्णता को ग्रहण करते हैं। एक जो है अग्नि की उष्णता प्रकाश दोनों ग्रहण करते हैं और एक अग्नि स्वरूप भी रह जाता है,
इसको लिंगा के शुद्ध विस्मय में कोशिश में और एक केवल मात्र उसको उष्णता को ग्रहण करते हैं। समझना है, एक ही चेतन तत्व भोज्य भोक्ता दोनों को अभिव्यक्त करता है, परंतु द्रव्य की अपने सामर्थ्य से जिस प्रकार लोहा लाल भी हो जाता है और गर्म भी हो जाता है, इसी प्रकार से स्थूल शरीर और पानी केवल मात्र उष्णता का ग्रहण करता है। जड़ात्मक वस्तु सच्चिदानंद केवल सत अंश ग्रहण कर पाता है, जड़ात्मक वस्तु सच्चिदानंद सत को ही केवल अभिव्यक्त कर पाता है, बाकी को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, चित्त और अंश अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। परंतु जहाँ पे अंतकरण है वो क्या होता है, सत और चित दोनों भी ग्रहण करते हैं, आनंद को भी ग्रहण करते हैं। किस अवस्था में, जो बाहरी वृत्ति से रुक जाता है, अंतकरण में वही चेतन एक ही तत्व सबको प्रकाशित करते हैं। सभी के अंदर सच्चिदानंद पूर्ण है, परंतु अभिव्यक्ति सभी के अंदर से समान रूप में नहीं होता। अग्नि अग्नि लोहा को गर्म करते हुए उसको केवल मात्र गर्माहट देते हैं और प्रकाश नहीं देते, पानी के लिए केवल गर्माहट, ऐसा तो नहीं है, अपना जो सब है पूरा ही दे रहे हैं, परंतु द्रव्य के अपने सामर्थ्य से वो पृथक रूप में अभिव्यक्त होता है। उसके अंदर से जल के अंदर से प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं होती, उष्णता की अभिव्यक्ति होती है, लकड़ी के अंदर से उष्णता प्रकाश दोनों अभिव्यक्ति होते हैं, और लोहे के अंदर से जो लाल लाली में आ जाता है गर्म हो जाता है। तो एक द्रव्य के सामर्थ्य से हुई है, एक ही चेतन अधिष्ठाता भोज्य भोक्ता दोनों रूप में विभाजन होने पर भी भोज्य वस्तु में केवल मात्र सद अंश को प्रकाश करने का सामर्थ्य है, और भोक्ता में सत और चित दोनों को भोग प्रकाश करने का सामर्थ्य है। और उस भोक्ता ही जब भोक्तृत्व तो भाव को छोड़कर केवल अपने में रहता है तो सब चित आनंद को अभिव्यक्त करता है, जिसमें मन शांत हो जाता है ना, मन जिस समय विषय रहित होकर भोज्य वस्तु को छोड़कर अपने में रहता है, सब चित आनंद कभी ध्यान अवस्था में देखो, ठीक है, ये मुख्य सिद्धांत था। इसी को मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, अब यही चीज आपके सामने आने वाला है। क्या बोलने यहाँ पे कि सर्वम जनयति प्राण तेज अंश पुरुष पितर, प्राण जो सबको जड़ चेतन सबको उत्पन्न करता है अपनी चेतनता की किरणों के द्वारा, पुरुष को अलग अलग करके, जिसका एक ही सूर्य की किरण अलग अलग घर में अलग अलग बड़ा छोटा फिर जड़ की, इससे ये अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते प्रतीति होते हैं, ऐसे ही यहाँ भी हुआ है ना। अब देखिए कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए थे भाष्य में विष्टम, जो मतलब प्रश्न क्या है, ये सदात्मक जगत उत्पन्न करता है कि असदात्मक जगत उत्पन्न करता है, सद वस्तु को उत्पन्न करता है कि असद वस्तु को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कि अब यदि उसके अंदर यदि सच्चिदा आनंद ही है तो सभी के अंदर सच्चिदा आनंद का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो क्या क्यों नहीं है, सामान्य रूप से द्रव्य की अपने अपने धर्म के कारण, सूर्य की किरण शिष्य में भी पड़ते हैं दीवार में भी पड़ते हैं, शिष्य में तो आप उसका प्रतिफलन दिखाई पड़ता है, दीवार में नहीं दिखाई पड़ता है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता, धर्म द्रव्य धर्म। बस यही चीज को मन में रखते हुए आप देखिए, दृष्टम च रज्जु सर्पादीना अविद्या कृत माया बीज उत्पन्न रज्जुआदि आत्मना सत्यम, किस वक्त को पढ़ लिए थे, ठीक है ना, दिखाई दिए दिखाई देता है, क्या दिखाई दे रहा है, सद वस्तु की अभिव्यक्ति होता है। रज्जु से आप तेल निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, हमसे रज्जु में आप अगर रजत भ्रांति करना चाहोगे वहाँ नहीं निकलेगा आपको, परंतु रज्जु के अंदर जिस रूप में अभिव्यक्त होने का इस्तेमाल करता है वो चीज वो द्रव्य वो गुण जो उसमें सभी व्यक्त होता है उसमें विद्यमान है पहले से, है ना। जिस प्रकार दूध से आप मतलब तिल से तेल निकाल सकते हैं, बजरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें विद्यमान नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ भी समझना है, उसमें जिसमें जो चीज विद्यमान है जिसके ऊपर रूपांतर होना संभव है उसमें उसी की भ्रांति होती है, इसलिए हम सत्कार्य वाले बोलते हैं। यही सब कारण मतलब कार्य कारण में कारण रूप में हमेशा ही विद्यमान है, तो अपने सत्ता को कभी अभिचय नहीं करता। टीका में इस पंक्ति को पढ़ ली थी, असत जन्म निराशन अंतरेण कथम सत जन्म निर्धारित तुम सको, असत की उत्पत्ति नहीं होती इसको निर्धारण निश्चय किए बिना सत वस्तु की उत्पत्ति होती है कैसे निश्चय कर सकते हैं, है ना। सत्कमिति आशंक आगे स्वयं ग्रंथकार बोलेंगे, बंधा पुत्र न तत्तेन मायया वापि जायते, अतः जो अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, न सतो विद्यते भाव, है ना, न भावो विद्यते सत, असत का कभी ये भावात्मक नहीं होता और भावात्मक वस्तु का असत नहीं होता, हमारा सिद्धांत है। आप देखिए आगे, जन्म पूर्वस्य सर्वस्य जन्मन पूर्वस्य सर्वस्य सत्ते च कारण व्यापार साधत्व असिद्धे, ठीक है ना, कौन करते हैं, ठीक है ना, जन सर्वस्य पूर्वम सत्य जन्मन सर्व पूर्वम सर्वस्य सत्य
जन्मन कारण व्यापार साधत असिद्धि, पहले से सब वस्तु विद्यमान है, तो जन्म के लिए जो कारण व्यापार की आवश्यकता होता है वो तो सिद्ध नहीं होगा, है ना। पूर्वम सर्वस्य सत्य, मतलब उत्पत्ति से पहले वस्तु की यदि विद्यमानता हो तब कारण व्यापार की क्या आवश्यकता है। परंतु दिखाई पड़ता है कुमार को भी चक्र घड़ा दंड आदि को दिखाई पड़ता है, झोला को भी आपको तुरी बीमारी की आवश्यकता होती है, है ना। ये सब सांख्यवादी और न्याय गोशासी, सांख्य योग और न्याय गोशासी के बीच में इसको लेकर के एक सत्कार्यवादी है, असत्कार्यवादी है। सत्कार्यवादी और असत्कार्यवादी को बोलता है जो वस्तु विद्यमान नहीं उस उत्पत्ति कहाँ से होगा, आपको तो यदि कोई है तो फिर कारण व्यापार की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से आपस में लड़ते हैं। तो जन्म न पूर्व पूर्व सर्वस्व, जन्म से पहले सर्वस्व सत्य, समस्त वस्तु का सत्ता विद्यमान होने पर कारण व्यापार शब्द साध्य, तो कारण व्यापार से सिद्ध किया गया तो असिद्ध हो जाएगा। मिथ्यत्वे च कथम सतामेव प्रभवात्, आपके सिद्धांत के अनुसार सब में मिथ्या मतलब असत मानते हो तुम, तो वहाँ तो सत से असत की उत्पत्ति कैसे होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्यत्वे च कथम सतामेव प्रभवात् भी टिप्पणी का लिखा, मिथ्यत्व असत्य इत्यादि, यहाँ पे असत्य से अभिप्राय नहीं है, मिथ्या में ही अभिप्राय है। असत मतलब क्या होगा, बंधा पुत्र संस्कार आकाश कुसुम आदि, उसकी उत्पत्ति तो हम भी नहीं मानते हैं, हम तो स्पष्ट के मानते हैं जो विद्यमान रूप में प्रतीति हो उसकी तो प्रतीति नहीं होती, आकाश कुसुम की विद्यमान रूप में प्रतीति हो पर तो जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में आपको पकड़ में आने वाला नहीं है, यही मिथ्यात्व की परिभाषा है। कथम सतामेव प्रभु, सत से उत्पत्ति कैसे हो सकता है, सतामेव भावानां प्रभु, भावानां आगे सतामेव भावानां प्रभु इति आशंक आशंक होने पर भगवान बचकर उत्तर देते हैं, यदि ही असतामेव जन्म सैत ब्रह्मण अव्यवहार्य ग्रहण द्वार अभाव असत्य प्रभु। इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, अधारोप अपवाद में हम सब वस्तु को क्यों लाते हैं, क्योंकि मान लीजिए यदि असत का ही होता तो वो किससे आया आपको पता ही, वो भी असत रूप होता, असत रूप होता। इसलिए यदि असता ही असता में वो जन्म सत, असत मतलब अविद्यमान वस्तु की जन्म होता तो जहाँ पे वो रहता वो भी अविद्यमान होता। ब्रह्मण अव्यवहार जो ब्रह्म व्यवहार जो को नहीं है उसको हम कभी नहीं समझ पाते, उसको कभी नहीं समझ पाते, ग्रहण द्वार अब उसको ग्रहण करने का दरवाजा ही बंद हो जाता, अभावत असत्य प्रसंग, वो भी एक असत वस्तु है ऐसा प्राप्त हो जाता, मत है ही असत वस्तु, बंधा पुत्र के कारण ब्रह्म हो जाता अधिष्ठान, ऐसी स्थिति आ जाती है। आगे टीका में कार्य प्रपंच असत्य इसी पंक्ति का अर्थ लिख रहे हैं, यदि असतामेव जन्म सैत ब्रह्मण अव्यवहार्य ग्रहण दर अभाव असत्य प्रसंग, भाष्यकार की इस पंक्ति का अर्थ टीका का लिख रहे हैं, ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ कार्य प्रपंच असत्य कारण से ब्रह्मण सारस्वेन व्यवहार्यत्व अभाव, क्षमा कर दूंगा पहले इतना, कार्य प्रपंच यदि बंधा पुत्र की तरह असत होता, कार्यात्मक प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है वो यदि बंधा पुत्र अथवा आकाश कुसुम की तरह वो असत होता, असत्य सती, ठीक है ना, संक्षिप्त में है ये कार्य प्रपंच असत्य सती कारण से ब्रह्मण, कारण उसका कार्य कारण कौन मानता है, ब्रह्म का भी निमित्त पदक कारण ब्रह्म का सारस्वेन अपने आप में व्यवहार्यत्व, व्यवहारिकत्व नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं, व्यवहार्यत्व अभाव हो गया, तस्य ग्रहणे दार भूतस्य लिंगस्य अभावत्, फल तो क्या हो जाएगा, उस ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए दरवाजा है उपाधि, उपाधि तो है नहीं, असत है उपाधि, कभी उसका तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे आप। ध्यान रखना जो शरीर हमें इतना परेशानी के कारण दिखाई पड़ता है, इस शरीर के कारण ही हम जो शरीर से हमको बार बार बोलते हैं कि शरीर से अध्यास चलो बात ठीक है, परंतु शरीर के कारण ही हम तत्व को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते, ये उपाधि दरवाजा बनता है, उपाधि दरवाजा, एक उपाधि दरवाजा कैसे बनता है, देखो अन्नमय कोश मनम प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश दरवाजा के माध्यम से अंदर जाकर के तब जाके ब्रह्मपुत्र प्रतिष्ठा में पहुंचते हैं, ब्रह्मपुत्र प्रतिष्ठा में पहुंचने बाद तब कहते हैं उपाधि में सत्यत्व नहीं है, निश्चय हो जाता है, उपाधि में सत्यत्व नहीं है ये निश्चय होता है। देखो एक चीज जरा, जो सुवर्णविद है उसके सामने के कोई व्यक्ति अलग अलग ऑर्नामेंट लेकर के आया, अलग अलग तीन चार व्यक्ति अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट लेकर के आया कि मेरे को इसके विनिमय में कुछ पैसा दे दो, उस ऑर्नामेंट के साथ उस व्यक्ति का जरूर अंदरूनी कुछ भाव भी जुड़ा होगा, चार व्यक्ति अपने पैसे के कारण कोई सुवर्णविद के पास कोई लेन देन करने वाले पैसा लेन देन करने पर ऑर्नामेंट लेकर के गया, सुवर्णविद उसको हाथ में लेकर ही क्या देखते हैं उसको, उसमें सोना कितना है, और मूल्यांकन किसका करते हैं, सोने के करते हैं,
ऑर्नामेंट का नहीं करता। क्या ऑर्नामेंट उसको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक, आत्म ध्यान देना, इस चीज को ख्याल हमेशा ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार से आत्मवीत अथवा ये जो ये जिसका भी बोला जाता है, जागृत में बैठ करके आप सुषुप्ति के अंदर कैसे लोगे कि आप अपने में बैठ करके आप अपने स्वरूप की ओर बदलाव देखेंगे। सभी जगह पे जब आप आत्मा को दर्शन करेंगे, ये बात नहीं है कि आपको वो जिस प्रकार सुवर्ण बीत को सुवर्ण के अलंकार में सुवर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार उपाधि में ही आपको सच्चिदानंद दिखाई देगा। उपाधि में सच्चिदानंद अनुभव में आएगा। समझ में आया दृष्टांत? जिस समय सुवर्ण में सोने का मूल्यांकन करता है उस समय उसका अलंकार दिखाई देता है। इसी प्रकार जिस समय आप अपने अपने में इस शरीर में आप अपने सच्चिदानंद का अनुभव करेंगे उस समय भी इसकी प्रतीति रहेगी, परंतु सत्यत्व तो नहीं रहेगा। मूल्यांकन नहीं करेंगे उसको, मूल्यांकन नहीं करेंगे उसको, परंतु उसके बिना अलंकार के बिना सुवर्ण कहाँ दिखेगा? ये चीज को समझना है। इसलिए अपने बोलते हैं कार्य प्रपंच असत्य, कार्य प्रपंच यदि अविद्यमान होता, कारणस्य ब्रह्मन सारस्य न, कारण ब्रह्म का मतलब अपने आप के रूप में व्यवहारियत्व अभाव, व्यवहारत्व धर्म नहीं आ पाता। तस्य ग्रहण फल क्या हो गया, उसको ग्रहण करने में दरवाजा का रूप है जिसके माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए तो उसको कोष बोलते हैं। एक एक कोष के अंदर जाते हैं। लिंग दारभूतस्य लिंगस्य अभाव, उसका चिन्ह नहीं समझ में आता आपको, वो शत्रु भाई आपको समझ में ही नहीं आता। कैसे आता है? सभी के अंदर से सत का अभिव्यक्ति होती है, किसी के अंदर से सत और चित का अभिव्यक्ति है, किसी समय सच्चिदानंद तीनों को अभिव्यक्ति होता है। इसी पे बोलते हैं लिंग सचिन्न नहीं समझ पाते। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, लिंगम मतलब कहते हैं लीनम अर्थम गमयति, जो वहां पे छुपा हुआ विषय उसको बोध कराता है, दिखाई दे रहा है नाम रूप छुपा हुआ सच्चिदानंद वो बोध कराता है। यदि नाम रूप नहीं रहता सच्चिद बोध ही नहीं होता, बोध होने के बाद फिर नाम रूप है कि नहीं आपको पता, चिंता नहीं है। बस एक बार पहचान करवा दिया फिर आप उसमें रह जाएंगे, तब नाम रूप की आवश्यकता नहीं है, परंतु पहचान कराने के लिए नाम रूप की आवश्यकता है। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्य प्रपंच असत्य कारण ब्रह्म सारस्य व्यवहार अभाव तस्वीर लिंग सह सेकंड असत्य में वसिद्ध है, तब कहेगा ब्रह्म असत है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। कार्य नहीं लिंगे न कारणम ब्रह्म अदृष्टम अपि सत इति अवगम्यते। देखिए इसलिए बोला लिंगम अर्थम गमयति इति लिंगम, है ना? अग्नि के लिए लिंग क्या है? धुआं। अग्नि के लिए क्या है? धुआं। इसी प्रकार सच्चिदानंद के लिए यद्यपि दोनों में धुआं अग्नि में संबंध है, परंतु यहाँ पे आध्यात्मिक ताकत में संबंध से हमारे काम बन गया। ये किसी के साथ संबंध तो नहीं करता, संघ बताता है तो यहाँ पे एक संबंध कैसे होगा? बोलो किसके पद्य होते इसी में बोल लिंग मतलब कार्य नहीं लिंगे न कार्य रूपी लिंग, क्योंकि कार्य रूपी लिंग के द्वारा ही कारणम ब्रह्म, जो कारण ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता अदृष्टम अपि नहीं देता, क्योंकि अन्य जगह पे आपको जिस प्रकार ये है यहाँ पे तो इसका मेटेरियल कॉज आपको दिखाई दे रहा है, पदार्थ दिखे, परंतु कार्यात्मक जगत में आपको पदार्थ कारण के रूप में पार्थिव वस्तु दिखाई देगा, परंतु उसके पीछे मूल कारण को नहीं दिखाई देता, सूक्ष्मतम है वो, मैं तो नहीं दिखाई देने पर भी, क्योंकि ये सत्य है करके हम बोलते हैं, यानी कि है नमक कारण है इसमें, है नमक कारण है इसमें। यहाँ पे बोलते हैं कि कार्य नहीं लेंगे न कारण ब्रह्म अदृष्टम अभी नहीं दिखाई देने पर कि सत्य की अवगम में तो सत है वहाँ पे इस प्रकार समझ में आता है अंश को ग्रहण करना सीखो, है ना? घट है, पट है, मठ है, मैं हूँ, तुम हो, इसमें ये सब घट पट मठ मैं तुम को छोड़कर है क्या वस्तु कारण न संबंध थी तब कार्य के साथ कारण का संबंध बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाएगा। पहले बता हमारे कार्य कारण भाव का अभिप्राय यही है, कार्य आत्म जगत दिखाई दे रहा है हाँ तो कोई कारण होगा, हाँ आप असत है बंदा पुत्र दिखाई दे रहा है नहीं तो कारण कुछ है, ठीक है ना? यदि असत आत्मक होता तो कारण के साथ संबंध थी कभी हो ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं तब चेत असत भवे, यदि वो मतलब मूल कारण असत होता ना तस्य कारण संबंध थी, उसके कारण के साथ जो संबंध थी
मतलब जो कार्यात्मक जगत यदि नहीं रूप में होता तो कारण के संबंध बुद्धि वो जो इसके साथ ही कार्य कार्यकरण संबंध जो है ना बुद्धि असत एक कारण तब क्या होता असत इसका कारण है ऐसा होता उत्पन्न असत मतलब कुछ वो इष्ट है ही नहीं अथवा मिथ इस प्रकार से होता शायद अर्थ इसका विपरीत रहता है परंतु हमारे वेदांतिक सिद्धांत ये नहीं है कार्य कारणयो हो उभयोरपी भवतु असत्यम इति आशंका उलवादी बोल रहे हैं कि होने तो कार्य भी असत कारण भी असत बहुत दुर्बल ऐसे शून्यवादी जो विज्ञानवादी बोलते हैं वो दोनों के कार्य कारण बने की शून्यवाद असतवाद मानते हैं दोनों का असत मानो शून्यवादी बोलते हैं तथा बोलते ऐसा तो हमें नहीं दिखाई पड़ता कहीं क्योंकि हम तुम भी जगत को भ्रांति मानते हम भी भ्रांति मानते हैं हम भ्रांति के अधिष्ठान को मान्यता देते हैं तुम भ्रांति के अधिष्ठान को शून्य मानते हो शून्य से भ्रांति थोड़ी होती है इसलिए बोलते हैं बौद्धवाद का खंडन यहाँ पे अच्छी तरह से आएगा अरे अपने मानदू का कार्य कारण है उभयरपी भगवत असत है मतलब कार्य भी असत कारण भी असत शून्यवाद की प्रसंग आ जाएगा तो असत्यमिति आशंका नाना ऐसा नहीं होता दृष्टम च अप्रतिमा जी रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत माया बीज उत्पन्ना नाम रज्जु से जो भी भ्रांत वस्तु दिखाई पड़ता है अधिष्ठान तत्व की अज्ञान एक प्रातिभाषिक रूप है अविद्याकृत माया बीज उत्पन्न नाम अविद्या के कारण मतलब अधिष्ठान तत्व की अज्ञान से प्रातिभाषिक रूप में प्रतीति होती है ना प्रतिबंध उत्पन्न नाम रज्ज्वादि आत्मना सत्यम परंतु वो उत्पन्न होने से पहले वो कहाँ विद्यमान था रज्जु स्वरूप होकर उसका विद्यमान था नहीं तो आपको रज्जु में ही आपका मरुभूमि में पानी जैसे चमकीला पानी दिखने लग जाता वहाँ पर नहीं दिखता जिसमें जो विद्यमान है जिससे जो होना संभव है वही चीज उसमें से अभिव्यक्त होता है टीका में देखिए टीका में फिर बोलते हैं अविद्वया अनादि अनैर्वाच्या कृतश्चते इसका अर्थ करते हैं दृष्टम च रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत ठीक है ना अविद्याकृत का अर्थ क्या कर दिया अविद्वया अनादि अविद्या विशेषण क्या दिया अनादि अनैर्वाच्या जो अनादि है अनैर्वाच्य जो सर्प शत्रु के निरूपण नहीं किया जा सकता कृतश्चते कौन ते क्या हो जाएगा रज्जु सर्पादि वो कैसे हुआ वो अविद्या अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के द्वारा उसको बनाए गए थे माया बीजा उत्पन्ना माया बीज उत्पन्न वो जो अनादि अविद्या वही माया आत्मक है माया और अविद्या भिन्न वस्तु नहीं है माया और अविद्या भिन्न वस्तु नहीं है भगवान भाष्य का स्वयं लिखे कि रज्जु सर्पादीनाम अविद्या कृत माया भी अविद्या से जो एक प्रात माया दिखाई पड़ते हैं अज्ञान के कारण जो मायिक रूप दिखाई पड़ता है वही बीज रूप में यहाँ पे उत्पत्ति के हेतु बनता है माया बीजा उत्पन्नाश्च तेषाम अविद्या एवं माया इति अंगीकार जो अविद्या है वही माया है माया समष्टि में उसको उपाधि हो गया माया और व्यष्टि में उसी को अविद्या रूप में बोलते हैं इतना ही मात्र है इस प्रकार समष्टि में ईश्वर और व्यष्टि में प्राण को बोलते हैं इसलिए उस समय उपाधि के रूप में उसका बोलते हैं एक साथ जब दिखाई पड़ता है शुद्ध सत्य प्रधान होकर के तो उसको माया बोलते हैं और अविद्या तम प्रधान में प्रतिफलित होकर वही चेतन जो उसको अविद्या अविद्यतम प्रधान बोलते हैं ना प्रतिफलित होकर तो वो माया को क्योंकि वो निरवय वस्तु है टुकड़ा होना तो संभव ही नहीं है जो सांख्य है उसमें प्रधान बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं कि तीनों सत्र तीनों गुण को प्रधान बोलते हैं हमारे वेदांत में माया तो सत्व प्रधान हो गया उसमें बराबर नहीं हम भी सत्व को नहीं माया वो नहीं बोलना माया त्रिगुणात्मिका माया है अव्यक्त नाम भी परमेश्वर शक्ति और त्रिगुणात्मिका पर त्रिगुणात्मक तो है वहाँ पे परंतु वहाँ पे जब भी माया को भगवान काम में लाना चाहते हैं तब क्या होता है ईश्वर इच्छा से उसमें गुणों में वृद्धि दास प्रयोग हो जाता है वो उसने इच्छा को नहीं माना कौन सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन में यदि तीन गुण की साम्य अवस्था को आप प्रकृति बोलते हो आप तीन गुण के साम्य अवस्था में तो कुछ क्रिया होने वाला नहीं है तीन गुण की वर्ण घटने में क्रिया होना है सत्य गुण की अधिकता तो उसका ये निमित्त क्या है गुण ये जब इस सृष्टि के मूल कारण की व्यवस्था करने जाते हैं ना तब सभी बात ही घुटना टेक देते हैं हम भी घुटना टेक देते हैं इसलिए हम बोलते हैं इसलिए विवाद में फंसो नहीं शास्त्र जो बोला उसी को मान लो कि पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है
इसलिए आप मायावाद को बोलते हैं, मतलब शास्त्र में दिखाया माया तो प्रकृति विद्या निषिद्ध अविद्वया अनादि अनिर्वच्य कृतश्च ते माया बीजा उत्पन्नश्च तेषाम अविद्या एव माया, उसको क्या है अविद्या रूपी है और वही माया इति अंगीकारा तेषाम रज्ज्वादौ, इसलिए उन जो माया को उपाधि के ऊपर दिखाई दे रहे प्रातिभाषिक जो वस्तु है रज्ज्वादौ मतलब रज्ज्वादि अधिष्ठान में कल्पित सर्पादीनाम कल्पित सर्वज तेषाम कल्पित सर्पादीनाम रज्ज्वादौ अधिष्ठान भूत रज्ज्वादि रूपेण सत्यम दृष्टम, अधिष्ठान भूत जो रज्जु है उस रज्जु में सर्प की सत्ता पहले से विद्यमान है, जिस वस्तु से जो देखना संभव है वही वहाँ पहले से विद्यमान है, वहां से कभी भी आपको रजत भ्रांति नहीं करेंगे, इसलिए हाँ सुक्ति का में रजत पहले से विद्यमान है, मरुभूमि के पानी में पहले से जल की भ्रांति विद्यमान है क्योंकि वहाँ पर चाक्षिकता है, कुछ समता को लेकर के चार जो हमारे पास भ्रांति स्थल हम दिखाते हैं यहाँ के दो जो है समता है कि राग और देश दोनों व्यवहार के कारण होता है, जो सुक्ति का में रजत भ्रांति होती है हमारे पास राग है कि वहाँ पर रजत प्राप्ति की इच्छा है और वहाँ पे सूर्य के प्रकाश अधिक चाक्षिकता उस भ्रांति के लिए हेतु बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार मरुभूमि के बालुका में भी यही है, वो पानी क्यों देखता हमारे अंदर प्यास है, हम प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहे हैं तब बालू ही भ्रांति से पानी, ये दोनों राग के दृष्टांत है और दो की दो है द्वेष के दृष्टांत, द्वेष क्या है हमें सर्प सर्प की डर बैठा हुआ है मन में, चोर की डर बैठा हुआ है मन में, क्या होता है हम जब रज्जु देखते हैं हाँ तो हमको सर्प भ्रांति होती है, अथवा मान लीजिए अच्छा संस्कृत माला भी देखेगा उचित जैसा हो देखेगा, परंतु जिस जहाँ पे जिस भ्रांत वस्तु दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो भ्रांत वस्तु कारण रूप में विद्यमान है, नहीं तो एक ही जगह सब कुछ हो जाता है, इसीलिए ये सिद्ध होता है कि रज्जादो कल्पित सर्पादीना रज्जु अरज्जु आदि मतलब भ्रांति के आदि से क्या लेंगे भ्रांति के जो भी अधिष्ठान है, भ्रांति का जो भी अधिष्ठान है उसमें जो भी कुछ वस्तु की आप कल्पना कर रहे हैं उस कल्पित वस्तु अधिष्ठान भूत अधिष्ठान रूप जो वस्तु है उसका रज्जादि रूप में मतलब अधिष्ठान रूप में सत्यम दृष्टम विद्यमान है यहाँ दिखाई दिया, यानी कि क्या हो गया ये सत्कार्यवाद हमारे यहाँ सत्कारणवादी है, मतलब कार्य कारण में मतलब कार्य हो गया रज्जु सर्प कारण हो गया रज्जु, तो रज्जु सर्प रज्जु में पहले से रज्जु रूप में विद्यमान कल्पित सर्पादीनाम अधिष्ठान भूत रज्ज्वादि रूपेण सत्यम दृष्टमिति योजना, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा, एक सुंदर अनुमान देते हैं यहाँ पे ठीक है, विमतम सत उपादानम कल्पितत्वात् रज्जु सर्पवत्, भाष्यकार ने जो लिखा उसको छोटे से अनुमान के रूप में लिख दिया, विवादास्पद भ्रांत वस्तु विमतम मतलब विवादास्पद भ्रांत वस्तु, ठीक है ना, सत उपादान उसका कोई सत उपादान होगा कोई मतलब विद्यमान के उपादान कारण होगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, कस्मात् कल्पितत्वात् कल्पित होने के कारण अधिष्ठान के बिना कल्पना होना संभव ही नहीं है, कल्पितत्वात् दृष्टांत तो क्या दिया रज्जु सर्पवत्, ये अनुमान को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दृष्टांत तो में हेतु और सार्थ दोनों बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा देखी कर दृष्टांत तो में हेतु क्या है यहाँ पे कल्पितत्व रज्जु सर्प कल्पित है कि नहीं, तो कल्पितत्व हेतु रज्जु सर्प बैठ जाएगा और उसका उपादान रज्जु सर्प का उपादान रज्जु सदात्मक है इसलिए सदउपादान में बैठ जाएगा, अब जो है विवादास्पद विवादास्पद ये जो आपको जागतिक वस्तु दिखाई पड़ रहा है ठीक है ना, वो क्या है कल्पित होने है नहीं पारमार्थिक परंतु उसका भी कोई ना कोई सदुपादान होना चाहिए, यहाँ पे केवल ब्रह्म नामक वस्तु सत है उसको दिखाने के लिए ये अनुमान लाया गया है, इस समय में जगत को कल्पित मानकर ही चलते हैं कि कल्पित वस्तु का हमेशा अधिष्ठान होता है, बिना अधिष्ठान से भ्रांति नहीं होती, इसलिए हमें बोलते हैं विवादम सर्वपादान कल्पितत्व रज्जु सर्पवत इति अर्थ, ठीक है ना, विवादास्पद ये जगत कुछ सर्प उपादान वाला होगा क्यों कल्पित होने के कारण जैसे रज्जु में दिखाई दे रहा है सर्प, ठीक है ना, रज्जु सर्प में आपके कल्पितत्व रूपी हेतु और सर्वपादान रूपी मतलब साध्य ये दोनों बैठा हुआ है, पक्ष हो गया विवादास्पद भ्रांति जगत
उसमें आपका कल्पितत्व धर्म बैठा हुआ, उसमें कुछ सर्वोपादान होना चाहिए। अब पूर्ववादी बोलते हैं नहीं, आपका दृष्टांत में साध नहीं बैठता। दृष्टांत में साध, साध क्या है? सदुपादान। तो दृष्टांत साध विकलत्तम, दृष्टांत में साध विकलता है, वहाँ पे सदुपादानत्व नहीं है। उसको शंका उठा करके परिहार करते हैं, उसको निराकरण करते हैं। नहीं निराशपदा, भाष्य में नहीं निराशपदा रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय क्वचित उपलभ्यते के नचित। ये भी फंडामेंटल सिद्धांत है। कोई आधार के बिना, अधिष्ठान के बिना किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान में राम की होना संभव नहीं है। और सबकी अधिष्ठान के, मान लीजिए किसी स्थान में बैठ करके आप भी कुछ कल्पना कर रहे, अकेला कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी अधिष्ठान आप है कि नहीं, जरा सोचो। मैं पहले बाहरी भ्रांति को लेकर के बोल रहा हूँ। पहले बाहरी भ्रांति के लिए तो कोई ना कोई अधिष्ठान चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब जिस समय बाहर कोई वस्तु नहीं है, हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, तो उसका भी अधिष्ठान आप है कि नहीं? उस कल्पना का अधिष्ठान, नहीं तो कल्पना कौन करेगा? यानी कि अधिष्ठान के बिना कल्पना होना संभव ही नहीं है। ये अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकर बोलते हैं। अब बोला वहां पे कि सभी व्यक्ति तो अपने सामने दिखाई दे रहा वस्तु में अध्यास करते हैं, हमें अपने में अध्यास कैसे कर दूंगा? अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकर बोलते हैं, बोलते पूर्व दृष्ट वस्तु नहीं एवं अध्यक्ष थे, सामने दिखाई दे रहा। अब जब हमारा सामने दिखाई, आत्मा तो सामने दिखाई नहीं देता, तो उसमें अध्यक्ष कैसे करेगा? बोलते जरूरी नहीं है कि आप सामने दिखाई दे रहा वस्तु में अध्यक्ष करो। आकाश दिखाई देता कि नहीं दिखा? आकाश इंद्रिय गुण में वस्तु है नहीं है, बोलते आकाश में अध्यक्ष करते हो नील रंग कटागा। आकाश इंद्रिय गुण में वस्तु नहीं है, शब्द गुणों का आकाश है, उससे उसका गुण है, तो उससे आकाश का अस्तित्व कम शब्द सुनने का, पर तो आकाश में नीला रंग और कटाकार ये हम कल्पना करते आरोप करते हैं। क्योंकि यदि कटाकार होता तो एक जगह में जाकर समाप्त होता, कितनी दूर जाओ समाप्ति नहीं, तो हम जो उतना ही बोलते कहीं बनता है। एक मैदान में खड़े होकर के आप यदि एक कोने से देखेंगे आपको लगेगा कि आकाश उस दूसरा छोर पर जाके मिल जाते हैं। आप चलते जाओ आकाश आगे उतने बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये जो आकार हमारे कल्पित है, हमेशा नील रंग भी आपको नहीं दिखता, नील रंग तो केवल तो समुद्र के प्राणी के प्रतिफलन के रूप में दिखाई पड़ता है, बंधु होता है। इसलिए पहले बोला कि जरूरी नहीं है कि दिखाई देने वाले वस्तु में आपको अध्यास करना है। अब बताओ आत्मा में जो अध्यास करो, आत्मा अत्यंत तो अगम्य वस्तु नहीं है, मैं करके व्यवहार करते ही रहते हो, इसको हो गया अधिष्ठान। और अध्यास क्या होगा? उस निर्विशेष अधिष्ठान के ऊपर सारा विशेषता को आपने आरोप कर दिया, और विशेषता उपाधि में है, उस्मत प्रत्यय गोचर जो है उसको सारा आरोप अपने अस्मत में करती है। इस प्रक्षेप इसीलिए बताया नहीं निराशपदा, मतलब अधिष्ठान से नहीं, रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय है ना, देखिए रज्जु हो गया मतलब रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय, रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णिकादय कभी निराशपद मतलब अधिष्ठान के बिना क्वचित मतलब किसी भी स्थान में किसी भी लोक में चले जाओ। और केन चीज, कितना भी आपका सूक्ष्म दृष्ट व्यक्ति हो क्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा योगी कितना भी सूक्ष्म दृष्ट, अधिष्ठान के बिना भ्रांति जो कि हो रहा है, तो अधिष्ठान कुछ ना कुछ चाहिए, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। आप जो कहे थे वहाँ पे कि रज्जु सर्प में वो सद उपादान नहीं है, वो निश्चित ही कोई ना कोई सद उपादान चाहिए आपको, इसके बिना होना संभव नहीं है। दृष्टांत साध्य विकलतम संकेत परिहरती, शंका क्या है कि वहाँ पे भी आपका सद अधिष्ठान नहीं है ऐसा मान लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि निराशपदा भी मतलब क्योंकि निराशपदा अधिष्ठान रहित होकर के रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय जो भी कोई भ्रांति स्थान है, चाहे रज्जु सर्प हो चाहे आपका मरुभूमि में पानी हो, क्वचित केनचित न उपलभ्यन्ते, मतलब किसी भी समय कोई भी व्यक्ति के द्वारा, क्वचित मतलब किसी भी समय किसी भी स्थान में और कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध नहीं होता, अधिष्ठ भ्रांति के बिना मतलब अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होता। यथा इस प्रकार से अब टीका में देखिए विवक्षितम दृष्टांतम अनुद्ध दृष्टांतिकम आह, ठीक है, विवक्षित जो दृष्टांत है रज्जु सर्प आदि दृष्टांत जिसके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, वो क्या मतलब विवक्षित दृष्टांत उसको दिखा करके अब दृष्टांत में घटा रहे, दृष्टांत कह गए अधिष्ठान जगत में और हमारे प्रकल्पित जगत है ना। इसलिए आप बोलते हैं कि यथा रज्ज्याम प्राप सर्प उत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आशे, ठीक है, इस प्रकार जैसे यथा इस प्रकार रज्ज्वाम रज्जु में प्राक सर्प उत्पत्ते
सर्प उत्पत्ति से पहले प्राक सर्प उत्पत्ति रज्जुआत्मना रज्जु स्वरूप हो करके स्वर्प सन एव विद्यमान सर्प ही वहाँ पे पहले से था। वो सर्प पहले से विद्यमान था, सन एव आसीत विद्यमान रहते हुए ही वहाँ पे था। नहीं विद्यमान यदि वहाँ पे कितना मोटा है सर्प, कितना लंबा है सर्प, वो किसके लेते हो रज्जु का, यानी कि उस पे सर्प पहले से विद्यमान है, उस लंबा मोटा होता है। ये हो गया दृष्टांत भाग, ये दृष्टांत भाग। यथा रज्जाम प्राक सर्प उत्पत्ति रज्जुआत्मना सर्प सन एव आसीत एवं दृष्टांत भाग में सर्व भावानाम उत्पत्ति प्राक समस्त भाव वस्तु का विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति से पहले प्राण बीजात्मना एव सत्यम प्राणात्मक बीजात्म मतलब व्यष्टि में तो प्राण अनंत समस्त अव्यक्त बीज रूप में पहले विद्यमान बीजात्मना प्राप्त प्राण बीजात्मना प्राणात्मक जो बीज है उस में पहले से विद्यमान है। केवल ये कैसे लिया, ये कोई वेदांति का अपनी मनोकल्पित नहीं है। हर जगह पे श्रुति जहाँ कहीं भी आपको सृष्टि के प्रतिपादन करते हैं पहले यही कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे आशीत ब्रह्मैव इदम अग्रे आशीत आत्मैव इदम अग्रे आशीत। ये जो क्या दिखाए जो इदम रूप में आपको पेड़ पेंसिल मकान दुकान पहाड़ नदी दिखाई पड़ रहा है, इदम रूप में ये पहाड़ है ये नदी है ये मकान है ये पेड़ है ये पेंसिल है जो अभी इदम रूप में दिखाई पड़ रहे ना ये सब पहले सतरूप ही था, पहले सब सतरूप ही था। तो अभी सतरूप नहीं है क्या, बोलता अभी सतरूप होते हुए भी नाम रूप वाला भी इतना ही भिन्नता है। जिस प्रकार दृष्टांत क्या है मृतिका मतलब खरा रूप में बदल खरा मृतिका घरा रूप में बदलने से पहले मृतिका में घरा रूप में बदलने से पहले मृतिका में घरा पहले से विद्यमान है और घरा रूप में मतलब अभिव्यक्त होने के समय भी वो मृतिका के अंदर ही वो दिखाई पड़ते हैं, मृतिका को छोड़कर कभी नहीं दिखाई पड़ते। ठीक इसी प्रकार से कि एवं सर्व भावानां उत्पत्ति प्राप्त समस्त भाव वस्तुओं का उत्पत्ति से पहले प्राण बीजात्मना एव सत्य प्राण रूप बीजात्म उस सब बीज रूप में सब विद्यमान है। ईश्वर को ही प्राण कह रहे हैं वो पहले से तो एक प्रसंग आ रहा है ईश्वर के तो अव्यक्त तो नहीं हमें प्राण शब्द वैष्णिक प्राण शब्द पहले इसको देख इसके पहले वाले बोल दो प्राण को अव्यक्त कैसे बोल दिया और वो अव्यक्त है तो निर्गुण निराकार निर्विशेष क्यों नहीं है ये सारा उसके लिए करके संघ का पहले बोल कर गया जटा वाला अव्यक्त सृष्टि प्राण रूप में समष्टि प्राण रूप में थी सृष्टि अब ध्यान रखना अव्यक्त बोल रहे मतलब जिससे जो होना सब नाम रूप में अभिव्यक्त नहीं हुआ बस इतना ही है। अब देखो उसी को लेकर श्रुति बोलते श्रुति अपनी भक्ति श्रुति ऐसा बोलती है क्या बोलती है ब्रह्म इदम अग्र आशेत ये इदम रूप में जो भी कुछ दिखाई दे रहे ना ये सब ब्रह्म रूप ही था ब्रह्म एव इदम अग्रे आशीत एक नंबर टिप्पणी देखो ब्रह्म एव इदम मतलब इतना ही मात्र लिया इदम मतलब ये इस रूप में ये रूप में जो दिखाई दे रहा है क्या ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म रूप में ही था इसलिए बोलते हैं नहीं सर्वस्व ब्रह्म अधिष्ठानगतम अंतरेण ब्रह्मत्वम संभवति यदि उसका समस्त कल्पित जगत का अधिष्ठान ब्रह्म नहीं होता मतलब वो ब्रह्म अधिष्ठानगतम ब्रह्म अधिष्ठान वाला यदि नहीं होता तब यहाँ पे ये श्रुति नहीं कहती कि ये सारा ब्रह्म रूपी है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम पुरुष एव इदम विश्व खैर जगत ऐसा करके श्रुति कहती है जो भी आपको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है वो एक पूर्ण तत्व ही है। उस पूर्ण तत्व कहीं आत्मा कहीं पे पुरुष कहीं पे ब्रह्म कहीं पे सब ये शब्द बदल बोला गया है। यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्मैव इदम सर्वम हो गया इसका आत्मैव इदम अग्रासी ऐतरेय उपनिषद है ना आत्मा ही सारा सृष्टि जो भी इदम रूप में दिखाई ध्यान देखने यहाँ पे इदम शब्द के ऊपर इदम मतलब ये जो अभी इदम रूप में दिखाई दे रहा है ये पहले क्या था सतरूपी था सतरूपी था आत्मरूपी था ये यहाँ तक हो गया आपका पहला भाग पहला जो लाइन है ना हमारा मूल का है ना प्रभव सर्वभावनम सतम इति विनिश्चय इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टीका में बोलते हैं विवक्षितम दृष्टान्तम अनुत्त दृष्टान्तिकम अभिप्रेत दृष्टान्त को अब अनुवाद करके फिर दृष्टांत में घटा करके दिखा गया जथा ये अनुवाद कर दिया विवक्षित दृष्टांत को अनुवाद किया एक बार दो बार अनुवाद करते हैं और फिर जो दृष्टांत में घटा करके दिखाते हैं कि सर्व भावना उत्पत्ति प्राप्त प्राण बीजात्मा अव्यक्त रूप से सब विद्यमान है एक तत्व और इसको समझाए भक्तिका में देखिए बोलते हैं प्राण शब्दितम बीजम कौन है देखो प्राण शब्द के तरह किसको कहा गया प्राण शब्दितम बीजम अज्ञातम ब्रह्म
नाम शब्दों के द्वारा जिस बीज को कहा गया कौन है वो अज्ञात ब्रह्म है। क्योंकि जानते नहीं तब तो भ्रांति हुई। अरे अज्ञात तो इसलिए बोला ब्रह्म तो अधिष्ठान है, यदि ब्रह्म को तुमने जान लिया तब तो भ्रांति, रज्जु को तुमने जान लिया तो भ्रांति के साथ प्रकार से देखते, इसलिए अज्ञात है ब्रह्म वही बीज है। इसलिए आपको बोलता है यही तो विवर्तवाद को सिद्ध करने के लिए सृष्टि, यही एकमात्र शब्द है कि प्राण शब्दितम बीजम अज्ञातम ब्रह्म संलक्षणम। मंत्र किसके तरह लक्षित होता है रूप में लक्षित होता है, इसलिए है संलक्षणम तदात्मनाई दी जाता तो है रूप में वहां पे विद्यमान है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प है रूप में रज्जु में विद्यमान है, इसीलिए रज्जु के ऊपर दिखाई ये सर्प है ऐसा कहते अचेतनात्मक जगत दिखाई पड़ता है उत्पत्ति से पहले बीज रूप में सभी उस अव्यक्त में विद्यमान था, प्राण प्राण नामक अव्यक्त में विद्यमान है। कहां से बोल दिया प्राण, प्राण बंधन सौम्य मन इस बात को भगवान बच्चों उद्धृत किया था ना, इसलिए प्राण शब्द का प्रयोग कर प्राण बीजात्मा व्यवहार योग्यतया जनयति इति उपसंहार। ये प्राण जो बीज रूप में है वही जो है ये व्यवहारिक रूप में सबको उत्पन्न करता है, नहीं तो क्या है वही समझ में नहीं आएगा, वही समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं प्राण बीजात्मना सर्व बीजात्मना व्यवहार योग्यतया जनयति, व्यवहार की योग्य रूप में उसको उत्पन्न करता है, इसको मन में रखते उपसंहार करते हैं। इस तत्व सुतीर वक्ति से श्रुति बोलती है ब्रह्मैव इदं सर्वं आत्मैव इदं अत्र आसीत् इति सर्वं जनयति प्राणः। इस प्रकार से प्राणी सब कुछ उत्पन्न करते हैं। अब चतुर्थ पद क्या बचा, कैसे उत्पन्न करते हैं, है ना। आज जैसा हमने शुरू किया था एक अचेत एक जड़ अंश है एक चेतन अंश है, मतलब जड़ चेतन उसका अपने बात नहीं है, बात यह है जिस वस्तु को उत्पन्न किया उस वस्तु में उस किसको अभिव्यक्त कर सकते हैं वो। मैं पहले क्या दिया था अग्नि के द्वारा उत्तप्त कर रहे हैं लोहा को भी पानी को भी, परंतु लोहा के अंदर से वहाँ पे हीट भी आता है लाइट भी आता है, परंतु पानी के अंदर लाइट नहीं आता केवल हीट आता है। क्यों अग्नि ने किसको आपने गुण छुपा लिया था क्या, नहीं नहीं केवल मात्र उस द्रव्य धर्म का अंश है, द्रव्य धर्म का अंश। इसी प्रकार से प्राण कैसे सृष्टि करते हैं यहाँ पे बोला हूँ। देखिए चतुर्थ पादम प्रतीकम आदाय व्याकरण, चतुर्थ पाद क्या है श्लोक में चेतो अंशुं पुरुषः पृथक्, ये चतुर्थ पाद है, उस प्रतीक को ग्रहण करके उसको व्याख्या करते हैं। तो प्रतीक है चेतो अंशुं, ठीक है ना, चेतनता की किरण, चेतनता की अंश, चेतनता का तो अंश नहीं होता, जिस प्रकार मतलब चेतना किरण लेंगे व्याप्ति, चेतनता की व्याप्ति। अब क्या बोलते हैं अंशव इव रवे, जैसे रवि का सूर्य का किरण, जैसे सूर्य का किरण तो चिदात्मकस्य पुरुष, तो सूर्य के स्थान में कौन हो गया चैतन्यमय पूर्ण तत्व, चिदात्मकस्य पुरुष पुरुष पूर्णत्वा पुरुष है ना, तो चिदात्मक मतलब चैतन्य स्वरूप वाला जो पुरुष है ना पुरुषस्य, और रवि षष्ठी में है रवि का सूर्य का, जैसा सूर्य का किरण ऐसे चेतन पुरुष का चैतन्यमय पुरुष का चेत रूप किरण चेतनता जो रूप है ना वो जलार्क समान, जल में सूर्य की किरण की प्रवेश के समान, जल में सूर्य की किरण की प्रवेश मतलब जल में चेतन की प्रवेश क्या है ऊपर से पृथक नहीं है परंतु उस स्थान को उज्जवलित प्रकाशित कर देते हैं, सूर्य दिखाई देने लगते हैं। घर अब जिस प्रकार घर अंदर कमरे के अंदर रखा है सूर्य उदय उसको बाहर ला के रखिए आपका अंदर की सारा चीज दिखाई देगा, सूर्य दिखाई ये बोलते हैं जल अर्घ समान, जल में जैसा अर्घ सूर्य की किरण के प्रवेश होता है। अब होने से क्या हो गया, अब देखिए जल का जैसा धर्म होता है, जल का पहले जल का एक हो गया जल का धर्म, एक हो गया पात्र की धर्म, दो प्रकार के सूर्य वहां पे प्रकाश होते हैं, क्या हो गया एक जल का धर्म और एक हो गया पात्र की धर्म, पात्र बहुत छोटा है पात्र बहुत बड़ा है तो उस रूप में दिखाई देगा, और जल कभी गंदा है जल कभी चंचल है जल कभी स्थिर है, ठीक। आप ये इसको मन में रखो, आप इसको पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं जलार्क समय प्राज्ञ तेजस्य विश्व भेदेन, स्थिर जल चंचल जल मैला जल, प्राज्ञ विश्व तेजस्य भेदेन
देव तीर्थगादि देह भेदेशु छोटा खड़ा, मिट मंथम खड़ा, बड़ा खड़ा, ठीक है ना। देव 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 सभी जगह में जाकर स्वप्न सुषुप्ति में वहाँ भी होते हैं, सभी शरीरों में होते हैं, इसलिए होते हैं देव तीर्थगादि देह भेदेशु। इस प्रकार बाहर खड़ा हो गया देव और घर के अंदर जड़ हो गया, उसके अंदर जो ये प्राग्ञ तेजस विश्व उसके अंदर प्रतिपरिच्छेद है ना, इसलिए आप बोलते हैं विभाव्यमान उसी के अंदर से प्रकाशित होते भाषित होते हुए। चेत अंश वह वो चेतना था कि जो अंश है वो ये तान पुरुष पृथक विषय वो क्या होता है, वो दो भाग है, एक हो गया चेतन अंश, एक हो गया जड़ अंश। एक विषय से विलक्षण है पुरुष अंश के, विषय विषय से विलक्षण है तान पुरुष पृथक विषय भाव विलक्षणान, है ना। जो विषय रूपी जो विषय भाव है वो होता है पुरुष भाव से विलक्षण है। अग्नि विस्फुलिंग देखिए दो प्रकार की सृष्टि है, एक जड़ात्मक है एक चेतनात्मक है ना। तो अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत से क्या लेंगे हम, जिस प्रकार छोटे जब छोटा सा विस्फुलिंग अग्नि से अलग तो दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंदर पोटेंशियलिटी जलाने की जो गुण वो समान है, वो समान है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अग्नि विस्फुलिंग सलक्षण। जिस प्रकार अग्नि में जितना लक्षण है विस्फुलिंग वही लक्षण है। जल और जल में सूर्य की प्रतिबिंब की प्रतिबिंब, जल में सूर्य की प्रतिबिंब होने अलग बिंब प्रतिबिंब अलग देने दिखाई देने पर भी कभी वो अलग नहीं है, एक ही है, वो प्रकृति मात्र है। मतलब क्या हो गया, पृथक दिखाई देने पर भी, पृथक दिखाई देने पर भी पोटेंशियल दोनों चल मिला के बोला, पृथक दिखाई देने पर भी मतलब जीव के अंदर जो पंचिंग रूप में दिखाई पड़ता है उसके अंदर उस चेतना था कि पोटेंशियल के अनुसार सिद्धानंद में कोई कमी नहीं आया। लक्षणान इसलिए होता है विषय विषय भाव से विलक्षण होने पर भी, एक विषय एक विषय विषय भाव से अलग लक्षण होने पर भी, परंतु होता क्या है अग्नि विस्फुलिंग जिस प्रकार अग्नि की जो चिंगारियां है उसके अंदर अग्नि की जो ज्वलनशीलता पूर्ण रूप में विद्यमान है। आप एक चिंगारी छोटा सा रुई में इतना बड़ा रुई की ढीपी में एक चिंगारी बड़े सारा रुई को जला। इसी प्रकार से अग्नि विस्फुलिंग सलक्षणा और जलर्क बच्चा जीव लक्षणा, जल में अर्क के जैसे मिलते हैं मतलब चिदाभास, जिस प्रकार सूर्य की आभास जल में पड़ा इसी प्रकार अंतकरण में चैतन्य की प्रवेश करके चिदाभास दिखाई पड़ते हैं। मतलब क्या हो गया, एक जगह पे जहाँ विषय रूप में है वहाँ पे केवल केवल मतलब सत का अभिव्यक्ति हो रहा है और यहाँ पे अंतकरण प्रतिफलित होकर सत और चिद दोनों का प्रतिफलन हो रहा है और यही अंतकरण जब शांत हो जाता है ना तब वहाँ पे अनंत का अभिव्यक्ति सच्चिदानंद तीनों जगह पे है परंतु वस्तु गुण के अनुसार वहाँ पे वो अभिव्यक्त तो नहीं हो पा रहे, पर वो उसमें तो परिवर्तन नहीं कर सकते। ईश्वर सृष्टि है यहाँ भी, ईश्वर सृष्टि परंतु यहाँ भी पुरुष प्रकार के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है और इस तरह को इसलिए आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है। सत्य की अभिव्यक्ति, चित्त की अभिव्यक्ति, आनंद की भी अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जल अर्घव जीव लक्षणान स्त्रीतरान सर्वभावान, उससे भिन्न करके समस्त भाव वस्तु को प्राण बीजात्मा जनयति, प्राण जो बीज रूप है उस सबको उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे दो दृष्टांत भगवान का चुका यथा ऊर्णनाभि यथा अग्नि क्षुद्र विस्फुलिंगा इत्यादि सूर्य, कैसे बोल रहे आप ऐसे उत्पन्न करते हैं। हमारे पास मांडुक मुंडक उपनिषद में आते हैं ना, यथा पूर्णनाभि सृजते बिन्नते च यथा सत्पुरुष केशलोमानि यथा पृथिव्यां औषधयः सम्भवन्ति तथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवति अभिष्टम्। वहाँ पे तीन दृष्टांत दिया, यथा पूर्णनाभि सृजते बिन्नते च यथा पृथिव्यां औषधयः सम्भवति तथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवति अभिष्टम्। उस प्रकार से अक्षर मतलब बीजात्मा से विश्व सृष्टि का कैसा पहला दृष्टांत दिया पूर्ण नाभि का, मतलब उसके पास अपना कोई भी साधन नहीं रहता है, बाहरी कोई साधन नहीं है, अपने आप मतलब उपकरण रहित सृष्टि होना संभव है। ब्रह्म के पास तो कोई उपकरण नहीं है, कुम्हार के पास तो उपकरण दिखाई पड़ता है, झोला के पास उपकरण दिखाई पड़ता है, परंतु हमारे जो ऊर्णनाभि के पास लुता की जो उसके पास कोई उपकरण नहीं है, वो अपने आप ही अपने लाला से थूक से जाली बनाते हैं, उसमें वही उसका मकान वहीं पर रहते हैं, इन्हें मकोड़ा फंसते उसको खाते उसे जिंदा है। योगे उपकरण नहीं सृष्टि होना संभव है। सत्पुरुषात् केशलोमानि ना, वहाँ पे हो गया पृथ्वी मोषण है सजातीय सृष्टि, जिस प्रकार कारण है उसी प्रकार के कार्य भी बनेगा। विजातीय सृष्टि चेतन शरीर में जड़ और बाल की उत्पन्न होता है, जड़ जैसे काट वो नहीं लगता। तीन दृष्टांत दिया एक ही श्लोक में,
इसी प्रकार से क्या होता है कि बिना किसी उपकरण से कुछ सजातीय सृष्टि भी होते हैं, कुछ विजातीय सृष्टि भी। वास्तविक वो विजातीय नहीं है, सजातीय ही है, परंतु द्रव्य गुण से उसका व्यक्त नहीं हो पा रहा। इसलिए यहाँ पे जथा पूर्ण नाभि और उसमें क्या बोला, जथा अग्नि क्षुद्र विस्फो, ये देखिए बिल्कुल एक जगह पे ला करके भगवान बचपन में क्या बोल दिया, चाहे वो चिंगारे कितना भी छोटा क्यों ना हो परंतु उसके अंदर जलाने की क्षमता बिल्कुल समान है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार श्रुति वाक्य के आधार पर यही हो गया हमारा, क्या हो गया वो जो पुरुष चेत अपना चेतना की किरण के द्वारा कैसे सृष्टि करते हैं। ये देखें यहाँ पे चेत अंशव इव रवे चिदात्मक पुरुषस्य चेत रूपा जलार्क समाजो, चिदात्मक जो पूर्ण पुरुष है उसका चेत, हमने बोला ना एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति जगात्मक है, परा प्रकृति चेतन जीवभूतम की परा प्रकृति है, ये चेत रूपा जलार्क समाज, ये आपका परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति हो गया क्या, ये चेत में क्या लिखा है प्राग्म तेजल विश्व भेदेना, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपका दो पात्र और जल, ये जल का रूप है, पात्र क्या है देव तेजक आदि देह भेद देह हो गया, इसमें विभाव विमान उसमें प्रतिफलित हो रहा है, चेत अंश उच्चेतनता की जो किरण है अंश, ये नान पुरुष पृथक, वो पुरुष पूर्णता से पृथक रूप में अलग करके विषय भाव विलक्षण विषय जड़ात्मक भाव उससे पुरुष उच्चेतना तो हम अभिव्यक्त नहीं होते विलक्षण बोल रहे हैं। आगे बोल रहे थे अग्नि विस्फुलिंग संलक्षण भी है, विलक्षण भी है संलक्षण भी है, ठीक है ना, अग्नि विस्फुलिंग की तरह। पर यहाँ पे क्या होगा अग्नि से विस्फुलिंग अलग दिखाई पड़ता है, पृथक नहीं है, पृथक नहीं है। समझाने के लिए क्या बोला, जल अर्क बच्चा, जल में सूर्य के प्रवेश के समान, कभी सूर्य से पृथक नहीं, वो अलग नहीं है, एक ही है। इस प्रकार जीव लक्षण जिसको जीव के द्वारा लक्षण, जीव भूत महाबाहो जय एकदम जीवात्मक जो है पराप्रति चेतनात्मक इतना भाव सर्व भावान प्राण बीजात्मा जनयति प्राण को उत्पन्न करता है। दो दृष्टांत दिया उन्नाभि और अग्निशूत्र विस्फुलिंग, उन्नाभि दृष्टांत क्या दिया यहाँ पे बिना उपकरण के सृष्टि होना संभव, क्षुद्र विस्फुलिंग में क्या दिया पृथक दिखाई देने पर भी पोटेंशियलिटी उसके बराबर, लोग ऐसा के ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। इस श्लोक को लेकर के लोग क्या बोलते हैं कि देखो भगवान स्वयं अपने आप बोलते हैं जीव परमात्मा के अंश है। अब बता परमात्मा निरवय है कि सावय है, तो निरवय पुस्तक अंश कैसे होगा, अंश कैसे होगा, तो वहां तो अवय तो अभिप्राय क्या है, बोलते हैं मेरे अंदर जैसा सच्चिदानंद है उतना ही अंश में उतना ही सच्चिदानंद जितना अभिप्राय होता है। वहां पे दृष्टांत में कितना कौन हिस्सा ग्रहणीय है और कौन हिस्सा त्याज्य है वो आगे संदर्भ में आगे पीछे क्या शब्द है उसके ऊपर से निर्भर करके ग्रहण होता है, ये यहाँ पे अभिप्रेत करते हैं। तो इस पे देखिए टीका में आ जाइए, अभी मैं भाष्य पूरा पढ़ लिया, भाष्य के ऊपर कोई टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी, अच्छा टिप्पणी आएगा ठीक है। अब देखो कि चतुर्थ पादम प्रतीकम आदाय व्याकरति चेत अग्नि तदिना रवे अंशव, ठीक है ना, सूर्य के किरणे यथा वर्त्यन्ते जैसे विद्यमान है तथा पुरुषस्य स्वयं चैतन्यात्मकस्य, पुरुष कैसा है स्वयं चेतन रूप है, चेतन छेद रूपः मतलब चेतन मतलब चैतन्य आभासा जीवः कुछ भी यहाँ पे चेत अंश को कहा गया जीव को चिदाभास पे यहाँ पे चेतन उसको निर्देश किया जाता है। तान उन लोगों को पुरुष नमेन पुरुष उन समस्त जीव को चिदाभास को जनयति इति उत्तर इस प्रकार उत्पन्न करते, पहले जो बोल कर गया उसका समय तान सर्वम जनयति प्राण पुरुष अर्थ करते क्रम समय क्या बोल रहा है प्राण और पुरुष दोनों में नॉमिनेटिव सिंगुलर है, प्राण और पुरुष दोनों में नॉमिनेटिव सिंगुलर है, पुरुष माने पूर्ण जो प्राण मतलब बीजात्मक रूप में विद्यमान होकर के दिखाई पड़ता है वही उत्पन्न करता है, पुरुष शब्द के द्वारा निर्गुण निराकार निर्विशेष लक्षित होता है, प्राण शब्द के द्वारा बीजात्मक अवस्था लक्षित उत्पन्न करता है। इसलिए हमें बोलते हैं तान उन सभी जीव चिदाभास को पुरुष जनयत उत्तरत्व समुदाय से अन्वय करना पड़ता है, तेषाम चिदात्मका पुरुषार्थ तत्त्वत भेद अभाव विवक्षित विनष्टि, तेषाम चिदाभाषाणाम अथवा जीवानाम चिदात्मका चिदात्मक चिदात्मका पुरुष चैतन्य जो पुरुष है उस पुरुष से तत्त्व तो पारमार्थिक दृष्टि से अलग दिखाई तो पड़ रहे हैं, अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं जीव, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से क्या होता है तत्त्व तो भेद अभाव उसमें भेद के अभाव है, विवक्षितता इसको मन में रखते हुए विषय नष्ट विषय भगवान भाष्य का ये शब्द प्रयोग करते हैं जल अर्क समान,
जल में किरण की प्रवेश के समान, ठीक है ना। वो किरण आपको अलग करके सूर्य पे दिखाई देने पर भी सूर्य से अभी अलग कोई नया वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ, वही किरण परिच्छिन्न रूप में दिखाई पड़े उपाधि में। बस इतना ही मतलब कि यहाँ पे अलग नहीं है कि तेषां चिदात्मकात् पुरुषात् तत्तत् भेद अभावं विवक्षित विषयस्ति जल अर्क समूल व्युत्पाद्य नीचे से तीसरा पंक्ति राइट हैंड साइड। भेद धिस्तु, तो भेद क्यों दिखाई पड़ता है, इसी दिखाई पड़ता है भेद धिस्तु तेषां उपाधि भेदा, भेद इसलिए दिखाई पड़ता है उपाधि के भेद के कारण। अलग अलग जलपत्र, अलग अलग उसमें जल की स्थिति, अलग अलग जलपत्र, अलग अलग जल की स्थिति, ठीक है ना। अलग अलग शरीर, अलग अलग मन अंतकरण की स्थिति, ठीक है ना। जल के सामने को हम मन में रखते हैं, क्या बोलते हैं कि भेद धिस्तु तेषां उपाधि भेदा द्वितीय हो। तीन लोगों को उपाधि के भेद से क्या है उपाधि भेद, प्राज्ञ तेजस विश्व भेदेन देव तीर यगादि देह भेदेशु विभाव्यमानः जल अर्क समाचेत रूप उसके अन्य प्रथम बहुवचन है वो, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं आगे चेत अंशवः, मतलब चेतना था कि अंश मतलब चिदाभास, जे आन पुरुष पृथक को जो है पुरुष से पृथक रूप में प्रतीत होते हैं, और उसमें जो सृष्टि उसने किया, क्या सृष्टि किया, दृश्य दृष्टा दोनों, मतलब आपको प्राज्ञ तेजस और विश्व ये भी वो है, और उसका जो भोग्य वस्तु स्थूल सूक्ष्म और आनंदात्मक भोग्य वस्तु दोनों का दृष्टा ही है, परंतु एक जो है जो देखने वाला है, भोग करने वाला चेतन है, और जिसको देख रहे हैं वो जड़ है, जो दो विषय विलक्षण सृष्टि है, इसको मन में रखते तान पुरुष विषय भाव विलक्षणान अग्नि विस्फुलिंगवत संरक्षणान जल अर्कवत। उसको टीका का लिख कर देखिए, पृथक इति सूचितम पुरुषस्य जीव सर्जन हेतु कथयति। पृथक यहाँ पे जो प्रयोग किया ना, यहाँ पे पृथक तान पुरुष पृथक, पृथक यहाँ पे मूल में भी है पृथक शब्द, अलग अलग जैसे दिखाई पड़ते हैं तो अलग अलग नहीं है वो, इसको बोलते हैं पृथक के हेतु बोलते हैं यहाँ पे कि पृथक इति सूचितम, जो सूत्र के द्वारा अथवा मूल मंत्र में सूचित किया गया है पुरुषस्य जीव सर्जन, पुरुष की जीव सर्जन, पूर्ण पुरुष मतलब पूर्ण का जीव सर्जन मतलब पृथक रूप में देखना, यदि लक्षक लेंगे पुरुष मतलब कह जाएगा वो पूर्ण चेतन तत्व, और दीप सर्जन मतलब कहेगा पृथक रूप में देखना, परिचय में देखना, उसमें हेतु कथे थी हेतु को बोलते हैं, ठीक है ना। हेतु देखिए एक बार पढ़ लूंगा पक्का, दोबारा इसको पढ़ूंगा। पुरुष कर्तिक जीव सर्जन हेतु उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान, उपाधि में प्राधान्यता दिया, उपाधि में प्राधान्यता दिया तब पुरुष उस रूप में दिखाई पड़ते हैं। पुरुष कर्तिक जीव सर्जन पुरुष के द्वारा मतलब चैतन्य के द्वारा चिदाभास की सृजन में, पूर्ण चेतन के द्वारा चिदाभास की सृष्टि में कौन प्रधान था, हेतु, हेतु क्या है, उपहित प्रधान स्वरूप, वहां पे क्या दिखाया गया, उपहित में प्राधान्यता को दिखा करके स्वरूप को दिखा रहा है। एक एक हो गया उपाधि और एक हो गया उपहित, जो उपाधि हो गया ये वस्तु, और उपहित हो गया जिसके माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो वो तो वस्तु बिल्कुल भिन्न है, कभी इसके माध्यम से दिखाई देते, इसलिए बोलते हैं अलग रूप में दिखाई देने के लिए जी पुरुष कर्तिक जीव सर्जन हेतु उपाधि प्रधान स्वरूपात्मक उपादान, वहां उपाधि में प्राधान्यता दे करके ऐसा कहा। तथि पृथक इति अनेना समस्त इसको पृथक शब्द द्वारा संभव रूप से सूचित किया गया है। जड़ सर्जन उपादान उपाधि प्रधान, और जड़ सर्जन उपाधि क्या हम कह रहे हैं कि एक जगह उपहित प्रधान, एक हो गया उपाधि प्रधान, उपहित प्रधान में चेतन सृष्टि, उपहित में प्रधान मतलब जो उपाधि के साथ दिखाई दे रहा है वह के साथ चिदानंद, और एक तरह पे केवल जड़ को ही दिखा रहा है उपहित, वहां उपाधि में प्राधान्यता दी गई, इसलिए हमें बोलते हैं जड़ सर्जन उपादान उपाधि प्राधान्य स्वरूप अश्य, इसलिए पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं। अब संक्षेप में उपाधि प्राधान्य न जड़ सर्जन, जब उपाधि में पहले बोल करके आया एक जगह पे उपाधि के प्राधान्यता को दिखाया, एक जगह उपहित को प्राधान्य देकर के दिखाया है ना, और मूल को तो नहीं दिखा सकते, उपहित होकर के जो दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बोलते हैं उपाधि प्राधान्य न जड़ सर्जन और चित्त प्राधान्य न जीव सर्जन, ठीक है ना। उपाधि में प्राधान्यता को देकर के जड़ वस्तु का सृजन हुआ, और चित्त चैतन्य को प्राधान्यता को देकर के आप क्या जीव सर्जन हो, जीव सृष्टि मतलब जो परा प्रकृति ईश्वर इसी के द्वारा पूरा सृष्टि हो, इसके अंदर भाग है रखेंगे। एक मैं आगे पीछे का चीज अगर भूल जाओगे तो मुश्किल होगा इसको पकड़, जो भी पहले खत्म करके आया उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के सहारे सब आगे बोलते जाएंगे, है ना। इसीलिए आगे पीछे एक बार अपने आप, एक बार दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा अपने आप को,
पढ़ के क्या बोल करके आया, आगे क्या बोलना चाहते हैं, उसको समय पकड़ के रखते हैं, तब जाके ग्रंथ की एक रूप दिखाई देगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यत् प्रज्ञा लोका भाषा प्रतिहत्य अगमत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे यशकृत् उपजन उदन्वत्रासने मे यत्पादाश्रितानां सुदिशमभिनय प्राप्तिरग्राह्यमोघात् तत्पादौ कामनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावैर्नश्ये।